नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये सब्जेक्ट है कुछ परिवारों के गांव पे लगे मरहम का। आप तस्वीर में देख सकते हैं, तस्वीर में तहसीलदार कार्यालय में वसई के उपविभागीय अधिकारी द्वारा कुछ परिवारों को चेक बांटे जा रहे हैं। कुल 7 परिवार है जिनको ये चेक बांटे गए। ये 7 परिवार ऐसे प्रभावित परिवार है, जैसा मैंने कहा कि इनके गांव पे मरहम आज लगा है। दरअसल 3 मई 2019 को एक घटना घटी थी। नालासोपारा में सेफ्टी टैंक साफ करते हुए 3 मजदूर की मौत हुई। वैसी ही एक घटना 17 अप्रैल 2020 को बोरिंच के रानपाड़ा में घटी, जहां 4 मजदूर की मौत हुई। ऐसे कुल 7 मजदूर की मौत सेफ्टी टैंक साफ करने के हादसे में पिछले सालों में हुई थी। उस मामले पर उन लोगों को शासन द्वारा ये भरपाई की गई है, उनके परिवारों को। जब घर का कोई सदस्य, और वो भी कमाने वाला, घर चला जाए तो परिवार की क्या स्थिति हो सकती है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी शासन ने इन लोगों को ये धनराशि देकर इन परिवारों को कुछ हद तक एक सहारा जरूर दिया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें उन्हीं 2 घटना के प्रभावित के परिवारों की है, जिनको आज वसई तहसीलदार कार्यालय में उप विभागीय अधिकारी द्वारा चेक बांटे गए। ये मामला सामाजिक न्याय विभाग के पास गया था और उन्होंने इस मामले पर एक शासन निर्णय 8/2/2023 को मंजूर किया, और इस आधार पर नालासोपारा के जो प्रभावित है उनको 10 लाख और रानपाड़ा के प्रभावितों को 6 लाख ऐसी सहायता राशि का चेक आज वितरित किया गया। आपको ये भी बता दें कि रानपाड़ा के जो प्रभावित है उनके परिवारों को 6 लाख आज दिया गया, लेकिन उनको पहले 4 लाख मिल चुका है, तो इनको भी पूरा 10 लाख ही सहायता राशि मिली है, ऐसी जानकारी तहसीलदार कार्यालय से दी गई। कहीं ना कहीं जो मैं पहले बात कर रहा था कि जब परिवार का मुखिया अगर अचानक से छोड़ के चला जाए तो परिवार की हालत क्या होती है, लेकिन सरकार अगर इस तरह से उस परिवार के साथ खड़ी रहे तो कहीं ना कहीं परिवार को बल मिलता है, संबल मिलता है। जो चला गया वो तो वापस नहीं आने वाला, इन परिवारों का दुख तो कम नहीं हो सकता, लेकिन इनके जीने का सहारा जरूर आज इनको मिला है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786